गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण यौगिक की उपस्थिति है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरो, ऑप्शन बी ब्रोमो, ऑप्शन सी क्लोरो। ठीक है, लहसुन में जो है सल्फर पाया जाता है, इसलिए विशेष गंध पाई जाती है। ठीक है, अब याद रखना ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया और एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण और सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन N2 नाइट्रोजन और ऑप्शन O3। ठीक है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन, भारी पानी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन सी DHC यूरे। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन डी HC यूरे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने D2O की खोज की थी। किसकी की थी? D2O। ये हेवी वाटर का फॉर्मूला है, किसका? भारी जल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेसलीन जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी पौधों के गोंद से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वेसलीन जो है पेट्रोलियम पदार्थों का जब आसवन किया जाता है, क्या किया जाता है? आसवन, भंजक आसवन जिसे बोलते हैं, उस टाइम पर अपने को पेट्रोलियम पदार्थों से वेसलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वेसलीन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के लाइटर में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी इथेन। तो सिगरेट के लाइटर से मीथेन गैस निकलती है, CH4। क्या फार्मूला इसका? CH4। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरिक। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन के ए नहीं होगा इसमें, हाइड्रोजन का बी, 3 समस्थानिक होते। पहला होता है प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, एक बार और देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इकाई के रूप में जाना जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल PDP, DTP, ATP, ADP और इसमें आपका होगा ATP। ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ATP। इसका पूरा नाम है एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तब निकिल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? निकिल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उत्पादन हेबर विधि से किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। ठीक है, तो NH3 अमोनिया जो है जिसका उत्पादन हेबर विधि से किया जाता है, किससे? हेबर विधि से। थैंक्स फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।